तो कौन से ऐसे ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम निकालना आजकल की लाइफ में बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपको इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना है तो कोई ना कोई साइड हसल लाजमी शुरू करनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक चीज जो क्लियर करता चलूं कि ई कॉमर्स सिर्फ अमेजोन या ई कॉमर्स सिर्फ ईबे या ई कॉमर्स सिर्फ दराज का नाम नहीं है। ई कॉमर्स कोई भी आप चीज सेल कर रहे हैं, आप इवन बना रहे हैं वो चीज, या आपको कहीं से वो सस्ती मिल रही है, आप किसी से भी होलसेल रेट के ऊपर बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं और फिर आप उनको आगे सेल कर रहे हैं, आप वो सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाकर, आप सेल कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर, आप सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, किसी भी जगह जहां आपको सही लगता हो कि आपके लिए वो सूटेबल है और आपको अच्छा उसके साथ प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन मैं हमेशा हर ई कॉमर्स वाले से एक चीज लाजमी कहता हूं, जो भी इस कारोबार को शुरू करना चाहे, कि प्लीज दो नंबरी और चीटिंग से दूर रहें। जो चीज दिखाई है, जो चीज बता रहे हैं, वही भेजिए। जो जूता उन्होंने, अगर आप शू सेल कर रहे हैं, जो क्लाइंट ऑर्डर कर रहा है, जो साइज बोल रहा है, आठ नंबर बोल रहा है, तो आठ ही भेजें, ये नहीं कि नौ भेज दें। बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ई कॉमर्स की मार्केट गंदी भी हो रही है और लोगों को भरोसा नहीं रहता कि अगर हमने पहले पे कर दिया तो इसके बाद क्या होगा, वही चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो खैर मैं कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देख रहा हूँ, उन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि आप पहले चीज को खोल के देख लें, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो आपको अच्छा रिव्यू देगा, जब वो अच्छा रिव्यू देगा तो आपकी चीजें और जगहों पे सेल होंगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबार को ट्रांसपेरेंट रखें, साफ शफाफ रखें और अपनी रोजी को हलाल रखें। तो एक चीज आ गई ई कॉमर्स, ठीक है, जो आप बहुत आराम से चला सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, आप मेरा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके ऊपर काफी इसकी वीडियोस आती रहती है ई कॉमर्स की, मैं उसका लिंक नीचे लगा दूंगा। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो ई कॉमर्स की, आप वो भी ले सकते हैं। आप लर्न करना चाहें, इवन आप दराज पे कैसे काम करना चाहते हैं, आप वो लर्न करना चाहें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, आप वो भी सीख सकते हैं, मैं आपको वो भी तमाम चीजें बता दूंगा। सेकेंड हम आ जाते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग के अंदर आप कोई भी चीज, ठीक है, जब आपको ब्लॉगर बनना है, आप फूड के ऊपर जा सकते हैं, आपको शौक है नई नई चीजें टेस्ट करने का, ठीक है, आप वहां पर रेस्टोरेंट दिखा सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं उनको सारी चीजें, आप लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। आपको अगर कार में, आपकी गाड़ी में कोई मसला आ गया, ठीक है, मैं पिछले दिनों ये चीजें फेस कर रहा था, तो मैं पार्क व्हील्स के ब्लॉग्स पढ़ता था, ठीक है, तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, नाम ऐसे ही ले दिया उनके, पढ़ता था। तो आपको ये चीज बता रहा हूं कि डिफरेंट आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। लोगों को जानने का शौक होता है, कोई चीज अगर कोई खरीदना चाह रहा है उसको पहले से पता चल जाए उसके प्रोज एंड कॉन्स, कोई गाड़ी है कोई खरीदना चाह रहा है उसको पहले से पता चल जाए कि भाई इसके अंदर ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है या इसको चलाने में ये प्रॉब्लम होती है, इसका सस्पेंशन इस तरह का है, तो उन लोगों को काफी हेल्प मिल जाती है। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप करना चाहें और उसको प्रॉपर करना चाहें एवरीडे की बुनियाद पर, ठीक है। इवन खानों के बारे में भी लिखना चाहें आप, मसाले कितने डलते हैं, रेसिपीज लिखना चाहें, उनके टेस्ट कैसे होते हैं, कहाँ का टेस्ट अच्छा है, जो भी चीजें वो आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैं ब्लॉगिंग से अटैच एक और चीज ले लेता हूँ, व्लॉगिंग, ठीक है। आपको शौक है वीडियो बनाने का, ठीक है, आप निकल रहे हैं घूमने फिरने, आप कभी जा रहे हैं लाहौर, कभी जा रहे हैं मरी, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची के किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, आपने अपना कैमरा साथ रखा हुआ है और जी आप देर साढ़े चार लगे हुए, ठीक है, किसी फूड का टेस्ट बता दिया, कपड़ा खरीदा वो बता दिया, कहाँ से क्या चीज मिलती है, कौन सा ब्रांड कहाँ सस्ते में मिलता है, ये तमाम चीजें आप बताएंगे लोगों तक, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, उनके लिए काफी फायदेमंद होती है और दुआ के साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे। आप अपना चैनल बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगा सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर अपने पेज बनाकर वहां पर प्रमोशन कर सकते हैं, उसके बाद आप कल को पेड प्रमोशन भी जा सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये तीसरी हमारी चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं व्लॉगिंग, ठीक है जी। तो अब जिस चीज के ऊपर मैं चौथी चीज पे जा रहा हूं वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए कहूंगा कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, अपना जहन खोल के रखना पड़ता है, आप क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से आप वेब बनाएंगे, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, कुछ लैंग्वेजेस पे आपको जाना पड़ता है, मुख्तलिफ चीजें अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करनी पड़ती हैं और उनको तरीके के साथ चलाना भी पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको इसमें देना पड़ता है, खैर वो हर काम में देना पड़ता है, वो है टाइम, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फोकस होकर टाइम देना पड़ता है। मगर एक दफा अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीख ली प्रॉपर तरीके से और आप इसके अंदर आगे बढ़ते गए तो इसके बहुत प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। आजकल हर किसी को वेबसाइट चाहिए, आपको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, आप फाइवर पे जा सकते हैं, आप अपवर्क पे जा सकते हैं, आप ग्रुप पे जा सकते हैं, जो आजकल आपके जितने भी लोग हैं तमाम लोग बता रहे हैं कि जी इसके ऊपर आप सीखें,
फ्रीलांसिंग करें, वेब डेवलपमेंट सीखें, तो आप कहीं से भी चाहे सीख सकते हैं, आप चाहे मेरे चैनल से सीख सकते हैं, आप किसी से भी जिससे आपको लगे आप सीख सकते हैं, आप सीखें। आप थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर खर्च करें, आप पेड कोर्स लेके सीखें, उससे ये चीज होगी, आपको हर चीज सिस्टमैटिक वे के अंदर सिखाई जाएगी और हर चीज आपको प्रॉपर करके बताई जाएगी, तो आपके लिए सीखना अच्छा और मुनफरद साबित होगा। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर 1000-1500 रुपए खर्च कर दिए और कल को आप उस चीज से 1-2 लाख महीना कमा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इन्वेस्टमेंट कोई जाया हुई है। हाँ, 1000-1500 रुपए हमें कोर्स के ऊपर खर्च करने में बहुत ज्यादा मौत आती होती, सीधी बात है, और वही चीज अगर हम कढ़ाई या बर्गर खाने जाए तो हमें पता भी नहीं चलता, यू करके खर्च करते हैं। तो कुछ पैसा अपने ऊपर भी लगाए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करें। तो एक चीज की आ गई वेब डेवलपमेंट, इसी के साथ मैं एक और चीज जोड़ दूं, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर 5 हमारी आ गई ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट के अंदर हम क्या सीख सकते हैं, हम एंड्रॉइड सीख सकते हैं, हम iOS सीख सकते हैं, हम गेम बना सकते हैं, हम किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो हम चाहें, जिस तरीके से चीज को हम चाह रहे हैं उस तरीके से लेके चल सकते हैं। हमें क्लाइंट की ऐप्स मिल सकती है, इवन हम अपनी सैंपल ऐप्स भी सेल कर सकते हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं। अगर कोई मुझसे पूछना चाहेगा कि वो कौन सी प्लेसेस हैं जहां मैं खुद भी सेल करता हूं, मुझे पता है 100% सिक्योर एंड सेफ है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आपको तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से आप वहां पर सेल कर सकते हैं। तो इस वक्त इस दौर में इनमें से कोई भी एक स्किल सीखना बहुत जरूरी है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अब अपने नए स्किल के ऊपर, जो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग क्या है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे एडिट करनी पड़ेगी, इसके अंदर मुझे अपना थंबनेल लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर मुझे अपनी चीजें बतानी पड़ेंगी, वीडियो का टाइटल क्या है, ये सारी चीजें जो भी मैं इसमें ऐड करना चाहूं वो कर सकता हूं। अगर मुझे कल को कोई भी जिसको आप बोलते हैं इमोजीज ऐड करने हैं, ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड साउंड ऐड करना है, तो सारी चीजें वीडियो एडिटिंग के अंदर काउंट होती है। वो कैसे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, एडोबी के ऊपर कर सकते हैं, या शॉर्टकट फ्री है बिल्कुल, ठीक है, मैं शॉर्टकट काफी यूज करता हूं, मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसका तरीका भी बताया है शॉर्टकट का, अगर आप में से कोई सीखना चाहे कमेंट करें, मैं वो लिंक भी लगा दूंगा, ठीक है, देखने के लिए, किसी को भी फ्री के अंदर कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप कल को यूट्यूब की वीडियोज जो क्लाइंट है उनके लिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप अपनी किक बना सकते हैं फाइबर के ऊपर वीडियो एडिटिंग की, आप वहां पर जाकर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के बाद जो हमारे पास एक नया स्किल है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं कि एक अच्छी चीज है, स्पेशली खवातीन बहुत जाते हैं इन चीजों में, ठीक है, वो कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग आपको वेबसाइट का भी कंटेंट देना पड़ सकता है, किसी भी तरह की वेबसाइट होगी, मेडिकल बेस होगी या आईटी प्रोडक्ट्स होंगी या कोई ई कॉमर्स होगी या जो भी चीज होगी, ठीक है, तो हर किसी को कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, इसको सीखने के बहुत सारे तरीके का रहे हैं, आप YouTube से सीख सकते हैं, डिफरेंट लोग हैं जो इसको सिखा रहे हैं, इसमें भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं, कंटेंट राइटिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपके साथ वो तरीके शेयर किए हैं जिनसे आप साइड हसल अपने जॉब में रहते हुए बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपको देने होंगे और जिस हिसाब से आपको लगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कल को बहुत अच्छा ग्रो कर गया और आपको जॉब की जरूरत नहीं रही, तो आप जॉब छोड़कर अपने बिजनेस पे फुल टाइम आ सकते हैं। तो इन चीजों को देखिए, इन चीजों को सीखिए ताकि आप अपने घर की ज्यादा मतलब कफालत कर सकें और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। कोई भी हेल्प चाहिए हो आप चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस तरह की अब वीडियोज इसके ऊपर आती रहेंगी, मैं खुद कुछ चीजें इस चैनल पर भी सिखाऊंगा, तो जो भी लोग सीखना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमारा सर है।